देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चिंता जताते हुए चुप्पी तोड़ी है। जागरूकता संदेश में लोगों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन में सहयोग करने की अपील की है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में जब से इस महामारी का दौर शुरू हुआ है तब से लेकर वर्तमान तक पूरी तरह एहतियातन एवं सुरक्षा के मद्देनजर तमाम नियमों की पालना कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलना हो या फिर पार्टी कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी हो, हर जगह नियमों की पालना की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अभी नहीं टला है कोरोना का खतरा, बचाव में ही सुरक्षा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जनहित में संदेश जारी करते हुए कहा कि अभी तक देश और प्रदेश में कोरोना को लेकर कोई आधिकारिक वैक्सीन भी तैयार नहीं हुई है और जब तक दवाई तैयार नहीं होती तब तक किसी भी तरह की इस बीमारी को लेकर ढील बरतना ना समझी है। देश और प्रदेश की जनता मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में शामिल हो। घर से जब भी बाहर निकले फेस मास्क लगा कर निकले, हाथों को नियमानुसार धोते रहें, साफ करते रहें, सामाजिक 2 गज की दूरी बनाए रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार, आप सब जानते हैं कि अभी तक कोरोना का खतरा देश और प्रदेश से टला नहीं है और ना ही इसकी कोई आधिकारिक दवाई उपलब्ध है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आओ हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में शामिल हो। घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क अच्छी तरह पहनकर निकले, हाथों को साबुन से लगातार धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, सामाजिक 2 गज की दूरी बनाए रखें। आओ सब मिलकर कोरोना को हराएं, देश को बचाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।